हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेदमकुर में। जैसा कि आज 22 तारीख है और आरआरबी पीयू मेंस के लिए अब 3 दिन बाकी रह गए हैं, और देखा जाए तो आईबीपीएस आरआरबी में अच्छा खासा टाइम भी मिल गया था, तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। लेकिन जिनका सिर्फ एसपीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है, उनको सिर्फ 10 दिन मिले हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, और इन 10 दिनों में आपको क्वांट भी लगानी है, रीजनिंग भी लगानी है और करंट अफेयर्स भी तैयार करनी है। देखा जाए तो इन 10 दिनों में आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के बराबर की मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 10 दिन मिले हैं तो 10 दिन में आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता। ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं डेली ही इस चैनल के कम्युनिटी टैब पर 17 से 18 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के अपलोड कर रहा था, और जिनका आरआरबी मेंस एग्ज़ाम है वो इन 1.5 से 2 महीने में काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ और है कि आज से आने वाले 10 दिनों तक आपको अब और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिनका एसपीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है उनको इन 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों, जिनका अभी आरआरबी पीयू मेंस एग्ज़ाम है तो इन 3 दिनों में आप और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जिनका एसपीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है और जिन्होंने अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के कम्युनिटी पर जाकर जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं पहले वो आप अटेम्प्ट कर लें, और आने वाले 10 दिनों में जितने क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा वो भी आप ज़रूर देख कर जाएं। बाकी देखा जाए, टाइम कम है, अब आपको मेहनत डबल करनी है। बाकी जो भी आपके डाउट हैं एसपीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग या आरआरबी पीयू मेंस के रिगार्डिंग, आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।